अम्बाला में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एस्मा लगा दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि वे अपना हक लेकर रहेंगे। इसके चलते पॉलिटेक्निक चौराहे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका गया। मैं प्रमोद वाला, राज्य उप प्रधान, बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा। आज हम अपनी मांगों को लेके पांचवे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहे, जिसका कि हमारे साथियों का पूर्ण सहयोग रहा। सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक हम सिविल सर्जन कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करते रहे, और उसके बाद 2 बजे हमने मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी की शव यात्रा निकाली, जो कि जगाधरी गेट वाया डीबी हॉस्पिटल से होते हुए पॉलिटेक्निक चौक पे आके हमने उनकी पुतला फूंका। और अगला जो है, कल के लिए हमने अपना कार्यक्रम निर्धारित किया कि कल, जैसे कि स्टेट प्रेसिडेंट हमारी ओमपति जी के आदेश हैं, कल हमारे कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री जी का पुतला फूंका जाएगा। वैसे ही आज की तरह ही सुबह से लेके कल दोपहर 2 बजे तक सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। 2 बजे फिर से उनकी शव यात्रा कैप्टन अभिमन्यु जी की निकाली जाएगी, और वापसी यहीं पर आके पॉलिटेक्निक चौक पर उनका जो है पुतला फूका जाएगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक हड़ताल तक जारी रहेगी। और सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई है, जब तक सरकार हमारी फाइल वित्त मंत्रालय से नहीं निकालती, तब तक हमारी अनिश्चित हड़ताल जारी रहेगी। किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी, चाहे सरकार एस्मा लगा ले, चाहे कुछ भी 144 लगाए, कुछ भी कर ले, हमारे कर्मचारी अडिग हैं और अपने अडिग इरादों के साथ हड़ताल पे उतरे हुए हैं और अपनी मांगों। अम्बाला से जगदीश सिंह की रिपोर्ट।